हेलो, इस वीडियो में हम कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों या जेनरेशंस के बारे में जानेंगे। जब हम जेनरेशंस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समय के साथ कैसे कैसे बदलता चला गया। 1945 से 1956 तक को कंप्यूटर की पहली जेनरेशन या पहली पीढ़ी कहा जाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर को चलाने के लिए हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। इसकी वजह से कंप्यूटर में बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी और बड़ी मात्रा में गर्मी भी उत्पन्न होती थी। यह आकार में बहुत बड़े और बहुत महंगे भी थे। इनको मशीन लैंग्वेज से प्रोग्राम किया जाता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का उपयोग किया जाता था। यह अपने समय की सबसे तेज कैलकुलेटिंग डिवाइस होते थे और एक सेकेंड में 5000 एडिशन या 350 मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। पहली जनरेशन की कुछ मशीनों का उदाहरण है ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 आदि। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर के 1963 तक मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय हो गए। यह वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में कम बिजली इस्तेमाल करते थे, हालांकि अभी भी इसमें बहुत गर्मी पैदा होती थी। यह पहले कंप्यूटर थे जो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी से इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में रख सकते थे। इन्हें प्रोग्राम करने के लिए मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए IBM 7090 एंड CDC 3600। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन या पीढ़ी 1964 से लेकर के 1971 तक मानी जाती है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ICs का आविष्कार हुआ और उन्होंने ट्रांजिस्टर्स की जगह ले ली। इससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, उनकी स्पीड तेज हो गई और वो सस्ते भी हो गए। अब उन्हें कीबोर्ड, मॉनिटर के माध्यम से चलाया जाता था। उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डला हुआ था, जिससे वह एक ही समय में कई एप्लीकेशंस चला सकते थे। सस्ते होने के कारण यह अब बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराए गए। इनके कुछ उदाहरण हैं IBM 360 और PDP 11। माइक्रोप्रोसेसर्स के आगमन से 1971 से चौथा जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। इसमें VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, की तकनीक का उपयोग हुआ। इससे एक ही सिलिकॉन चिप पे हजारों IC लगाए गए, जिससे कंप्यूटर और छोटा हो गया और लैपटॉप, टैबलेट का आविष्कार हुआ, जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इनसे कंप्यूटर और सस्ते हो गए और उनकी स्पीड भी और बेहतर हो गई। कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ जाने से कई GUI सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हैंडहेल्ड डिवाइसेस का विकास हुआ। इसके उदाहरण में आपके आसपास दिखने वाले सभी कंप्यूटर शामिल हैं, जैसे कि एप्पल, क्रे, लैपटॉप, मोबाइल आदि। भविष्य या फ्यूचर की जो पांचवी या फिफ्थ जनरेशन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। अभी इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से आविष्कार नहीं हुआ है। ये ULSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से बनी होगी और आज के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत तेज और सस्ती होगी। इसमें क्वांटम एंड नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इंटेलिजेंट कंप्यूटर कहलाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय।